नालागढ़ के गांव डांग में अवैध नशा मुक्ति केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग व पुलिस ने छापा मारा तो यहां इलाज के नाम पर हो रही बर्बरता का खौफनाक चेहरा सामने आया। दवा के नाम पर मरीजों की पिटाई और खाने मांगने पर भी सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, यहां इलाज के लिए कोई डॉक्टर भी तैनात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा इलाज हो रहा है। नालागढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर छापा मारा। सीएमओ कार ने नशा मुक्ति केंद्र ढांग में छापा मारा, नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। इनमें 54 युवक सहित एक युवती मरीज थे, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम से पिटने और खाना व दवाएं न देने की शिकायत की। मरीजों के पास से बीड़ी व तंबाकू भी मिला। सीएमओ सोलन डॉक्टर रंजन उपल व थाना प्रभारी नालागढ़ श्यामलाल की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपकार नशा मुक्ति केंद्र ढांग में छापा मारा। यहाँ केंद्र की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, कोई डॉक्टर भी तैनात नहीं था। नशा मुक्ति केंद्र का संचालक विक्रमजीत और संत पंजाब के साथ स्थानीय व्यक्ति बताए जा रहे हैं। दोनों ही अवैध रूप से एक साल से केंद्र चला रहे थे। नशा मुक्ति के नाम पर बाहर से मरीजों को भर्ती कर जमा कर वसूली कर रहे थे। मरीजों के साथ मारपीट और खाना न देने के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा था। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें नालागढ़ उपमंडल के अधिकार क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ढांग नीली मैं वहाँ पे एक अवैध रूप से जो है नशा मुक्ति केंद्र चलाया गया है, जिस पे पुलिस ने मेडिकल डिपार्टमेंट की सहायता से और लोकल स्थानीय लोगों की सहायता से रेड की। रेड करने पर पाया गया कि वहाँ पे करीब 42 से 43 लोग जो थे बंधक बना के रखे गए हैं, जिनको जो ताला तोड़ के जो है वो मुक्त कराया गया है। और जो संचालक है इसका, वो पाया गया कि वो प्रदेश से बाहर रहता है और वहाँ पे केयरटेकर ही रहता था। केयरटेकर के खिलाफ और जो मालिक है नशा मुक्ति केंद्र, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसमें मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सर मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया? अब तक मालिक को जो है बुला के जो है पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जैसा भी होगा कार्रवाई होने में लाई जाएगी। तो सर अभी कौन कौन सी धारा में केस, थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर। ये जो अब जो नई भारतीय न्याय संहिता है, नए उसमें इस मुकदमा को दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) और 318(4) में जो है मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें अन्वेषण किया जा रहा है। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।